लेकिन ये फ़ोन पूरा एकदम रिसेट भी नहीं किया है, देख सकते हैं कंपनी वालों ने क्या कर रहा है किया पता, कैसी भाई वालों ने रिसेट के बिना ही भेज दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अनबॉक्स गैजेट चैनल पर स्वागत है। आज ये इस फ़ोन का डिलीवर हुआ है कैसी भाई सुपर सेल से। चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं फ़ोन का कंडीशन कैसा है, क्या है, चलने लायक है या फिर नहीं है, ये बस देख लेते हैं कंडीशन। ये सैमसंग का ही फ़ोन है, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सपोर्ट करो। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है भाइयों कि आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिव मिलता है, इसीलिए थोड़ा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो मेरे भाइयों। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये रहा बिल, ये रहा फोन। फोन का एकदम मतलब ये क्या है, शायद कुछ डिफेक्ट है शायद। फोन को ऑन करके देख लेते हैं फोन का कंडीशन कैसा है। आई होप इसमें बैटरी हो, लेकिन मुझे लगता तो नहीं इसमें बैटरी है, फोन तो ऑन नहीं हो रहा। देख सकते पूरा एकदम स्क्रैच है, एकदम फोन में एकदम चारों तरफ पूरा एकदम डेंट स्क्रैच से भरा हुआ है। स्क्रीन में भी काफ़ी ज़्यादा हेयर लाइन स्क्रैच है। फ़ोन में शायद बैटरी नहीं है इसलिए फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। इसको एक बार चार्ज करके देख लेते हैं। ये रहा बिल, सैमसंग गैलेक्सी J2 डुओस 1 8 1 GB रैम है, 8 GB रोम है, 1120 रुपये पड़ा है मुझे। ये फ़ोन डी कैटेगरी का फ़ोन है। चलिए इसको थोड़ा चार्ज करने के बाद देखते हैं। और गाइस देख सकते हैं एकदम फ़ोन का वॉलपेपर भी मेरा फेवरेट WWE स्टार का ही है, रोमन रिंग्स का एक वॉलपेपर बना है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख कर। ये देख सकते हैं ऑलरेडी फ़ोन में गेम वेम लोडेड है, ये शायद किसी और ने किया है, रीसेट किया है कि नहीं देख लेते एक बार। सेटिंग्स, ना फोन रीसेट किया है, कैमरा चेक कर लेते हैं फोन का। फ्रंट कैमरा ठीक है, बैक कैमरा देख लेते हैं एक बार। यार बैक कैमरा तो ठीक नहीं है, देख सकते एकदम बैक कैमरा खराब है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, पूरा धुंधला धुंधला लग रहा है पूरा एकदम। बैक कैमरा ठीक नहीं है, फ्रंट कैमरा ठीक है। साउंड देख लेते हैं एक बार, मत देखते एक बार। स्पीकर फटा है देख सकते हैं, और डिस्प्ले में दो तरह का कलर नजर आ रहा है, एक बीच में रेड फिर व्हाइट। डिस्प्ले में डिफेक्ट है थोड़ा सा है, ज्यादा भी नहीं है। वैसे टच मच पूरा काम कर रहा है, टच में कोई इशू नहीं है। ये फ़ोन रीसेट किया हुआ नहीं है पूरा, मुझे लगा था कि रीसेट है लेकिन नहीं है। अपना वाईफाई के साथ कनेक्ट करके देख लेते हैं फ़ोन का कनेक्टिविटी कैसा है। इसको अपना फ़ोन के वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लिया। चलिए अब देखते हैं कुछ ओपन करके कि कैसा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। क्रोम कहाँ है भाई, एक बार गूगल ओपन करके देख लेते हैं। सैमसंग नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक है, कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, देख सकते हैं पूरा एकदम काम कर रहा है। लेकिन ये फ़ोन पूरा एकदम रिसेट भी नहीं किया है, देख सकते हैं कंपनी वालों ने क्या कर रहा है किया पता, कैसी भाई वालों ने। यार ये कैसी भाई वालों क्या कर रहा है कि फ़ोन को रिसेट के बिना ही भेज दे रहा है, पूरी तरफ से रिसेट भी नहीं किया है फ़ोन। वैसे फ़ोन में और कुछ इशू तो नहीं लगा मुझे, स्पीकर फटा है और बैक कैमरा काम नहीं कर रहा है, बाकी सब कुछ सही लगा, फ़ोन का और कोई इशू भी नहीं है।
बस दोस्तों यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।